सलीम साफी साहब, बड़े दावे से मलिक अहमद खान साहब सबूत का कह तो रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये होगा भी? कहीं उनके गले तो नहीं पड़ सकता ये उनका बयान? नहीं, इसका तो मुख्तसर तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो सामने ले आए हैं। लेकिन ये जो आईनी तरामीम हो रही है, इसमें मैं एक और अहम नुक्ते की तरफ आप लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, और वो ये कि ये जो आईन है इसमें मेरे सूबे का नाम गलत लिखा गया है। और पहले तो इसका जो खैबर पख्तूनख्वा, इसके साथ जब खैबर को मिलाया गया था तो खैबर इस पख्तूनख्वा का हिस्सा है। ये इस तरह है कि आप पंजाब का नाम रख दें कि पंजाब मुजफ्फरगढ़, तो पंजाब मुजफ्फरगढ़ से लोग क्या कहेंगे? तो अब उस पे सुना है कि कंसेंसस अहमद वली खान ने इस इशू को उठाया था और उस पे कंसेंसस हो रहा है कि उससे खैबर का लफ्ज हटाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी इस आईन में जो पख्तूनख्वा का लफ्ज लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग गलत है, तो वो स्पेलिंग भी इनको ठीक करनी चाहिए। इन्होंने स्पेलिंग उसकी लिखी है PAKHTOONKHAWA, यानी पख्तूनख्वा लिखा है, असल लफ्ज पख्तून है और असल लफ्ज पख्तूनख्वा है। तो मेरी अपनी पार्लियामेंटेरियन से ये गुजारिश है कि ये काम अगर वो कर रहे हैं और उस आर्टिकल में भी तब्दीली लाई जा रही है तो पख्तूनख्वा की स्पेलिंग को भी ठीक कर लिया जाए, एक की बजाय यू कर लिया जाए। ठीक है सर, और मजीद मलिक अहमद खान साहब के बयान पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे? जमा खातिर ये भी कर लीजिए, 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगा हुआ है मुजवजा आईनी तरमीम वाला, आपको लगता है वहां पर ये मामला उठाया जा सकता है कुछ? वो तो मैंने अर्ज कर दिया कि अगर उनके पास सबूत है तो सामने ले आए। ठीक है, एजाज सैयद साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिस तरह दावा कर रहे हैं कोई सबूत होगा, और अगर है तो क्यों नहीं अभी तक मंजर यहाँ पर लाया गया? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बड़े गौर से सुनी इरशाद भट्टी साहब की गुफ्तगू। सलीम भाई ने बड़ी मोहतात अंदाज में एक बड़ी वैलिड बात की है कि वो सबूत है तो सामने लाएं। मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मलिक अहमद खान साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून के फैसल वाडा है, नंबर वन। और फैसल वाडा साहब का जब हम नाम लेते हैं तो पूरा एक बैकग्राउंड है, तो मुस्लिम लीग नून के फैसल वाडा है मलिक अहमद खान साहब। दूसरी बात यह है कि क्या इस बात में कोई डाउट है कि हमारे जो जज साहिबान हैं वो सियासत में मुलव्वस नहीं रहे? मुझे तो कोई डाउट नहीं लगता। मैं अभी रीसेंट पास्ट के दो वाकयात आपको बता देता हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक रिपोर्ट पेश की गई थी कुछ अर्सा पहले, जब इनका पहला टेन्योर था, उस वक्त की बात है। उस रिपोर्ट में मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, खुद पढ़ी है मैंने रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में जस्टिस साकिब निसार साहब का जिक्र था और अमीर हुसैन भट्टी साहब जो के चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनका जिक्र था और उनके टेलीफोन के की एक कॉल का जिक्र था, जिसमें मुबैना तौर पर उस रिपोर्ट के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया निसार साहब किस तरीके से जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी जो के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनको कुछ स्पेसिफिक हदायत दे रहे हैं। और अगली बात ये थी कि उन स्पेसिफिक हदायत पर अमल दरामद भी हुआ। अब वो रिपोर्ट ठीक थी गलत थी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पेश की गई और जिसे कहते हैं ना कि ग्राउंड फैक्ट्स बता रहे थे, ग्राउंड डेवलपमेंट्स जो चीजें हो रही थी वो एग्जैक्टली वैसे ही हो रही थी जो कि उस रिपोर्ट में पेश की गई थी, नंबर वन। नंबर टू, उसी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज का भी जिक्र था, जिनसे साकिब निसार साहब के फोन पर रातों का जिक्र था, और वो जज जो है उन्होंने जो बाद में कंडक्ट किया तो वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही था। अच्छा, अब दो बातें हैं इसमें। एक बात तो ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी जो अदलिया के बास जज साहिबान हैं, सारे नहीं, बास जज साहिबान ने उसी तरह सियासत में मुलव्वस रहे हैं, माजी में भी रहे हैं और आज भी हैं, जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो अफसरान हैं हमारी फौज पे जिस तरह हम इल्जाम
लगाते होते हैं या फौज के ऊपर बात करते हैं कि बास जर्नैल जो है वो वर्दी पहनकर सियासत करते हैं, तो ये एक हकीकत है कि हमारे बास जज साहिबान वो अदालत का और अदलिया का गाउन पहनकर सियासत करते हैं। इसकी मिसालें मैंने माजी में दी हैं, वो जो वाकयात हैं आज भी किसी तरीके से किसी ना किसी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन सारी अदलिया सियासत में मुलव्वस नहीं है, बास बड़े अच्छे जज भी हैं। अब मामला क्या है? मामला ये है कि माजी में जब तक ये जो जज साहिबान है ये मुदाखलत करते हैं सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के तहत उनके साथ मिलकर, तो तब ये जज साहिबान अच्छे होते हैं, ये बाइज्जत रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जब ये अपना एजेंडा ले आते हैं या अपनी किसी सियासी जमात से मोहब्बत ले आते हैं तो तब उनके बारे में इस तरह की खबरें लीक होती हैं या लीक की जाती हैं, जिस तरह की खबरें मलिक अहमद साहब और फैसल वाडा साहब अक्सर टेलीविजन के ऊपर आकर बताते हैं। और जाहिर है ये जो दो चैनल्स मैंने दो जमातों के या दो शख्सियात कंपैरिजन किया, बैकग्राउंड है कि ये लोग कहां कहां पर कनेक्टेड है, तो मुझे तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हमारी अदलिया के जो बाज जज साहिबान हैं वो सियासत में मुलव्वस रहे हैं। और आज भी बाज ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिसमें कहते हैं ना कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, तो आज भी ऐसे शवाहिद मिलते हैं। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करता कि कोई बात करूंगा तो फिर वो कहेंगे ना कि तोहीन अदालत हो जाएगी। तो जो मलिक अहमद खान साहब है उन्होंने ये बयान देकर पूरी अदलिया को कुटहरे में डाल दिया। ज्यादा अच्छा होता कि वो खुद एक आईनी पोजीशन पे है, अपनी असेंबली में जाकर बात करते, वहां पर उनकी कोई उनको कोई आईन के तहत कोई पूछ भी नहीं सकता था। नाम लेते उन जज साहिबान, उन जज साहिबान का नाम लेते और उनके खिलाफ रेफरेंस आना चाहिए। अगर कोई जज साहिबान मुलव्वस है तो ये एक क्रिमिनल एक्ट है, और अगर मलिक अहमद खान साहब को इस आईनी पोजीशन पर रहते हुए उसका इल्म है और वो छुपा रहे हैं तो ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि उनके पास इस बात का अख्तियार और कानूनी और आईनी प्रोटेक्शन है कि वो पार्लियामेंट में जाकर बात कर सकते हैं और उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता और फिर भी वो छुपा रहे हैं। अच्छा, मेरा तो जो सवाल करने का बुनियादी मकसद ही यही था कि ये कोई आम इल्जाम नहीं है, ये एक आप सिटिंग जुडिशरी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, उसके तो रिप्रिकॉशंस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो फिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? क्या उसका यही हल है कि आप पूरी की पूरी आईनी तरमीम आईनी ढांचा ही बिगाड़ दो? मैमल कुछ कहना चाह रही है, मैमल प्लीज कीप इट शॉर्ट एज पॉसिबल। एक चीज ऐड कर दूं, अलीना जो आपने बात कही है ना कि ये भी एक्शन नहीं ले रहे, मसला ये है कि हमारे जज साहिबान जो हैं वो सियासत करते हैं और उसके शवाहिद मौजूद हैं, और हमारी जो हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है ये भी सियासत करते हैं। ये लड़ाई थी बेसिकली, आपको पता है ये लड़ाई शुरू हुई थी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान। फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक स्टेटमेंट दिया और मुस्लिम लीग नून आ गई इसमें प्रोटेक्टर के तौर पे। सर, फिर माजरत कता कलामी की माजरत, लेकिन तो, मैं बड़ी बोल्ड होके मैंने उस दिन कुछ रोज पहले भट्टी साहब से भी सवाल किया था, मैं दोबारा बात दोहराऊंगी कि जो ये तासुर था जिनसे मुतल्लिक के उनके ऊपर एलिगेशन है उनका कॉन्डक्ट सही नहीं है, उनसे मुतल्लिक हमने देखा कार्रवाई भी हुई, उनके खिलाफ रेफरेंसेस भी आए और दो जजेस बड़ी एविडेंटली उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, तो अगर इस तरह के सबूत या रिपोर्टें जैसे आप कह रहे हैं मिसकंडक्ट की मौजूद हैं तो अब क्या मुश्किल है कि वो अब मंजरे आम पर नहीं आ सकती हैं, और उनसे मुतल्लिक इस तरह की क्यों नहीं रविश इख्तियार की गई? ये बड़ा अहम सवाल क्या है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये इस तरह की रिपोर्टें जब मंजरे आम पर आएंगी तो फिर उन रिपोर्टों का जरिया भी पूछा जाएगा, फिर ये बात भी सामने आएगी कि ये जो जज साहिबान हैं इनको भी कोई सुन रहा है और इनको भी कोई नोट कर रहा है और इनकी भी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसका जवाब कैसे आएगा? तो फिर ये बातें अदालतों में जाके साबित नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा भी नहीं है जो इरशाद भाई ने कहा ना कि सबूत कोई नहीं है। देखिये, हर बात का कोई सबूत नहीं होता, जो सबसे पावरफुल बात होती है वो आपका होता है मॉरल कॉन्डक्ट। अगर आप इखलाकी तौर पर आला पेडिस्टल पे खड़े हुए हैं तो फिर कोई आपको उंगली नहीं उठा सकता। ये मेरे ख्याल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया। अलीना सॉरी, जब
जी देखिए रीना, दो तीन चीजें इसके अंदर मैं ऐड करना चाह रही थी। एक तो पहली चीज तो ये है कि ये रूमर बिल्कुल वाकई अगर सबूत ऐसा है कि बात हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं और बड़े वसूख से कहते हैं कि ये बात हुई है और किन्होंने की है, तो अगर ऐसी कोई चीज है सामने जरूर आनी चाहिए। लेकिन मैं जो बात ये कर रही थी कि अगर एक निजी महफिल के अंदर उन्होंने कोई ऐसी बात की भी है, क्या वो चीज उनके ओवरऑल फैसलों में या पीछे नजर आती है? हम देखे जो आप बात करिए कि ये जिस तरह अभी जो एजाज ने भी बात की कि ये चीजें सामने क्यों नहीं आती, क्योंकि जो पिछली जुडिशरी थी उसके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी साथ मिली हुई थी, वो जब सबूत सामने आएंगे ना उसमें पता चलेगा कि बाजवा साहब ने किसको क्या कहा, फैज ने क्या कहा, बाकी कौन किसको हैंडल कर रहा था, किस तरीके से, वो सामने चीज आएगी। अच्छा, अब वाली जुडिशरी के साथ, क्योंकि जिस तरह तनाव बताया है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्सेज जुडिशरी हो रही थी, तो इसके अंदर एक ये भी डिफरेंस जो है वो करने की जरूरत है। हाँ, सियासत जरूर, मैंने आपको उस दिन भी लीना बात की थी कि सियासत बिल्कुल इस वक्त हो रही है अदलिया में और चीफ जस्टिस के खिलाफ, अगर तो आपने फैसला कर लिया है कि आपने करना है हिसाब किताब एक दफा, तो फिर सारे के सारे आए टेबल पे रखें क्या चीज है क्या नहीं है और आगे मूव ऑन करें। लेकिन ऐसे कैसे हो सकते हैं कि कुछ चीजें आप पिन पॉइंट कर लें, कुछ चीजों को आप दरगुजर करें? भट्टी साहब बैठे हुए बड़े हंस रहे हैं, भट्टी साहब क्या मसले मसाइल हैं, क्यों हंस रहे हैं आप? मैडम शेख, माजर चाहता हूँ, वो एजाज वाली बात के तोहिन अदालत हो जाएगी, बल्कि बहुत ज्यादा ही हो जाएगी। सिर्फ एक फिक्रा दोहराना चाहता हूँ जो मैबल ने कहा कि पिछली वाली जुडिशरी मिली हुई थी, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या क्या मैबल ने कहा है? नहीं, जो पिछली वाली जुडिशरी मिली हुई थी, जो मिली थी वो कह रहे हैं ना, पिछली वाली फिक्रा, फिर गौर से मैबल सुनिएगा, पिछली वाली जुडिशरी ही मिली हुई थी। पार्लियामेंट्री कार्रवाई हमारे फ्लोर को इस्तेस्ना है सर, ये पहले मुझे पूछ लेने दे, हमारे फ्लोर को किस हद तक प्रोटेक्शन है? पिछली की बात हो रही है। मैं भट्टी साहब का जुमला नहीं पूरा सुन सकी थी सही तरह से। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस असेंबली के फ्लोर पे कितनी प्रोटेक्शन है बात करने की, कितनी नहीं है। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये बड़ा संजीदा मामला है जी। मलिक अहमद खान साहब अगर जुडिशरी से मुतल्लिक इतना बड़ा दावा कर रहे हैं और इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इल्जाम लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है हमारा सारा पैनल इसके ऊपर मुत्तफिक है कि उनके पास अगर सबूत हैं तो उनको इल्जाम तराशी से आगे बढ़ना चाहिए और सामने लानी चाहिए चीज़ें।